नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए जल्दी से नजर डाल लेते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की सबसे बड़ी सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश बना मंडी अधिनियम संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य। किसानों की आवश्यकता के अनुसार बन रही हैं नीतियां। सरकार ने प्याज भंडारण सीमा तय करने का लिया निर्णय। बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में करने की कोशिश। केसीसी ऋण का ऋण 1022 करोड़ रुपए फंसा। पुराने बकाए का 181 करोड़ रुपए गया एनपीए खाते में। उत्तर प्रदेश विभिन्न जलवायु और वनस्पति वाला राज्य है। अनेक तरह की सब्जियां, गन्ना और आम यहां के मुख्य कृषि उत्पाद हैं। इतने बड़े राज्य में आवश्यकता अनुसार मंडियां और कोल्ड स्टोरेज की पूर्ण रूप व्यवस्था ना होने के कारण किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कृषि नीतियों को किसानों की आवश्यकता के अनुसार बनाया जा रहा है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार लाभकारी मूल्य पर कृषि उत्पाद बेच सके, इसके लिए 45 कृषि उत्पादों को मंडी शुल्क के मुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने CII द्वारा आयोजित कृषि और खाद्य तकनीकी 2020 एग्रो एंड फूड टेक पर सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि को उन्नत बनाने और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए नीतियों को कृषकोन्मुखी और लाभकारी बनाया है। 27 मंडियों को किसान मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 24 मंडियों में फल सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड स्टोरेज एवं राइपनिंग चैम्बर की सुविधाएं निर्मित कराई जा रही हैं। दिनों दिन बढ़ती प्याज की कीमतों की वजह से सरकार ने इसके भंडारण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल सरकार ने प्याज व्यापारियों के लिए भंडारण की सीमा तय करने का निर्णय लिया है। इसके तहत खुदरा विक्रेता को स्टॉक में मात्र 2 टन प्याज रखने की इजाजत होगी, वहीं थोक विक्रेता को मात्र 25 टन स्टॉक रखने की इजाजत होगी। उपभोक्ता मंत्रालय की सचिव वालीना नंदन ने बताया कि ये पहली बार है जब हमने 1 लाख मीट्रिक टन प्याज का बफर स्टॉक बनाया है, ताकि उस स्टॉक की कैलिब्रेटेड रिलीज से बढ़ती कीमत का ध्यान रखा जा सके। यहां उन्होंने ये भी बताया कि केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार प्याज की आपूर्ति की है। अब तक 35,000 मीट्रिक टन प्याज राज्यों को कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के लिए दिया गया है। इसके अलावा लीना ने कहा कि हम भारतीय प्याज के बड़े उपभोक्ता हैं। प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार सक्रिय कदम उठाए गए हैं, लेकिन सितंबर के दूसरे सप्ताह से अपेक्षाकृत स्थिर कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है। किसानों को खेती करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार की ओर से KCC यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, ताकि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार सस्ती दरों पर लोन ले सके और अपनी कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा भी कर सके। किसान क्रेडिट कार्ड पर किसान बिना किसी गारंटी के 1,60,000 तक का लोन केवल 4% ब्याज पर ले सकते हैं और तय वक्त तक लोन चुकाने पर अगली बार 3 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं। ये लोन किसान अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा करके भी ले सकते हैं और एक साथ भी निकाल सकते हैं। ये लचीलापन नुकसानदेह साबित हो रहा है। किसान खेती के लिए लोन न लेकर अपने अन्य कामों जैसे कि शादी ब्याह, जमीन खरीदना, वाहन आदि खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के हजारों किसानों पर इस योजना के तहत दिए गए ऋण में से 1022 करोड़ रुपए बकाए में फंस गए हैं। वहीं 15,000 किसानों पर पुराने बकाए का 181 करोड़ रुपया बैंकों को एनपीए खाते में डालना पड़ा है। हापुड़ जिले के बैंक प्रबंधक का कहना है कि 99,618 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर 1,398 करोड़ रुपए का कर्ज है। इनमें से सिर्फ 17,000 किसानों को 376 करोड़ रुपए चालू वित्तीय वर्ष में बैंकों ने कर्ज दिया है, जबकि 1,022 करोड़ रुपए पिछले कई वर्षों का बाकी है। वहीं दूसरी ओर कुछ जानकारों का मानना है कि किसान कर्ज माफी की आस में हैं, क्योंकि जब सरकारें बदलती हैं तो किसानों के कर्ज माफ हो जाया करते हैं, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण लगता है, और किसानों के लिए बनाई गई स्कीम का लाभ उन्हें ही नहीं मिल पाता है। फिलहाल आज के किसान बुलेटिन में इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैं कल फिर हाजिर होंगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।